चाय पी लीजिए, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। 24 साल की छोटी बच्ची का अत्याचार हो रहा है और यहाँ 25 हो गए। दगड़ियों भुट्टा खाओगे? ये देखो हाथी हाथी के ऊपर चढ़ता हुआ। सूंड निकाल अपनी। रोपवे का चार्ज बढ़ चुका है, 205 हो गया, 177 नहीं है अब, ठीक है। हाँ देखो गाइस, दोस्तों कटोरे की गाड़ी हो चुकी है खराब। नहीं गाइस, मेरी गाड़ी अच्छी है। गाइस इतने परेशान कर लिया गाड़ी चलाने के लिए। ये देखो ट्रॉली में गंदे पैर आएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यू कैन सी हम लोग ऑल सेट ऑल रेडी टू गो। वेयर? सुरकुंडा देवी के मंदिर में जा रहे हैं। खुशी देख लो, और बाकी सब भी आ रहे हैं अभी, आप सबको मिलाते हैं उनसे भी। सो गाइस हमने कर लिया है फ्यूल, रिफ्यूल कर लिया है, और ये कटोरा अमन भी आ गए हैं यहाँ पे और हम उन लोगों का वेट कर रहे हैं, अभी तक आए नहीं है, आने वाले हैं बस। कटोरे कैसा लग रहा है वेट करके? बहुत अच्छा। बोला था 7:30 बजे तक निकलेंगे। मैं तो टाइम से आ गई। तू कहीं नहीं आई टाइम पे, तू 8 बजे आई है। मैं टाइम से आ गई। और अभी बज रहा है 8:44 हो चुका है यहाँ पे, 8:44 तो टाइम पे है ना यहाँ पे। मैं तो टाइम पे ही हूँ, मैं 5 बजे उठ चुकी थी। ये लेके आई है, थैंक यू मीनाक्षी पीछे। सो गाइस सब लोग आ गए हैं। मैं तो चलो जय माता दी। सो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं शिव मंदिर। लेट मी शो यू हाउ ब्यूटीफुल दिस मंदिर लुक्स। ये रहा शिव मंदिर। नचने दे, हाँ नचने दे। गाइस इतने परेशान कर लिया गाड़ी चलाने के लिए, अब मैं बैठ हो गई तो साथ में मैं भी ठकूंगी। गाइस नुकसान तो मेरा होगा ना ज़्यादा, मेरा सर। तो दोस्तों हमने टोल क्रॉस कर लिया है और यहाँ पे देखो मोटी गरम है, फोटोज खिंचा रहे हैं। और गाइस हमें मसूरी पहुंचने में 1 घंटा भी नहीं लगा अभी, क्योंकि रोड सड़क क्लियर थी, मॉर्निंग का टाइम है। तो गाइस ये मसूरी जो है वो देहरादून से 60 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और हम लोगों को 1 घंटे से कम लगा यहाँ पे पहुंचने में। मतलब लाइक 1 घंटे में आप लोग आराम से पहुँच जाओगे, तो कोई मसूरी घूमने आना चाहिए तो। और कैंपटी फॉलना से 18 किलोमीटर है, तो नॉल्टी 34 किलोमीटर्स। और यहाँ से होता है मसूरी का स्टार्ट। और ये हमारी मोना राइडर अकेले जाती हुई। कटोरे प्रो राइडर, कॉलेज के बच्चों को डरा के रखती है गाइस ये, अपने कॉलेज के दोस्तों को पता नहीं कैसे कैसे स्टंट मारती है। तो गाइस ये मसूरी का रास्ता है और जो नॉल्टी का रास्ता इधर कट जाता है दूसरी साइड के लिए। दोस्तों अगर यहाँ पे आए तो हॉर्न ज़रूर मारे हर मोड़ पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हो मोड़ बहुत छोटे छोटे हैं और गाड़ियाँ एकदम से मुंह पे ही आ जा रही हैं, तो बेटर केयरफुल रहना चाहिए और हॉर्न बजाते बजाते जाना चाहिए, है ना बेटर है? राइट, देखा लाइक दिस। ये सुबह खोली है। ओ अच्छा। सो गाइस यहाँ से मसूरी का शॉर्टकट भी है, 4 किलोमीटर है यहाँ से ऊपर के लिए जो रोड जा रही है। इधर देखो सच आप ही बता दो फिर। और देहरादून यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ कुछ व्यूज भी दिखाती हूँ मैं आगे से। Oh,
गाइज ये चार जने जो हैं पहली बार जा रहे हैं, ठीक है अभी पता चला है चारों, और हम तीनों घुमक्कड़ हैं। ये तो है, दिखाई नहीं दे रही, शर्म नहीं आती तुझे, बदतमीज। चलो 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 तू चल घुमक्कड़ लड़की। घुमक्कड़ तो तू है, कितनी बार चली गई सुकुंडा देवी? कितनी बार गई? तीसरी बार जा रही हूँ मैं, ठीक है ना गाइस, दिस इज माय थर्ड टाइम। दोस्तों कटोरे की गाड़ी हो चुकी है खराब। नहीं गर्ल्स मेरी गाड़ी अच्छी है। अच्छी है लेकिन अभी रुक गई है, और फिर अभी हम सोच रहे हैं हम ट्रिपलिंग करके जाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा पास में ही है, तो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस कटोरा स्टार्ट करना सीख रही है मोना की गाड़ी को, यही से बंद हो जाएगा, और हम लोग कर रहे हैं ट्रिपलिंग। अरे कटोरा नोस एवरीथिंग, मैं और कटोरा। अरे मीनाक्षी बैठ यार, आ जा मीनाक्षी, चिंता मत करनी उड़ाएंगे तुझे। सो गाइस यहाँ छोटी सी बच्ची पे अत्याचार हो रखा है ना, अत्याचार गाइस। हाँ 24 साल की छोटी बच्ची पे अत्याचार हो रहा है, और यहाँ 25 हो गए मीनाक्षी, मैं सब इसी में बैठ के जा रहे हैं इसके ऊपर लद के। खोली पे आई थिंक सो सुबह खोली यही है, और यहाँ पे मोटी कर दिया हमारा वेट चाय के साथ। कहाँ है? नहीं आ गए हम लोग बस। हाँ सबके लिए क्या बोलना है, चाय पी लीजिए, बहुत ठंडा हो रहा है यहाँ पे, पी लीजिए। सच में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है वैसे, हाँ नहीं लग रहा, नहीं इतना ज्यादा ठंडा हो रहा तो सच है ना, यहाँ इतना ठंडा नहीं। तो दोस्तों हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा सा कुछ कैप्चर करने के लिए, यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल दीज माउंटेन्स लुक्स। और दोस्तों यहाँ पे ठंड भी बहुत हो रही है, हवा बहुत बर्फीली चल रही है, और ये हमारी ड्राइवर थक गई है भी। सो वी आर इन धनौल्टी नाउ, और यहाँ से अब थोड़ा सा रह गया है मंदिर का रास्ता, 4-5 किलोमीटर और फिर पहुँच जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे मिलती है बहुत टेस्टी टेस्टी मक्की, और यहाँ पे इको पार्क भी है। तो हम पहुँच गए हैं इधर, और हमने प्रसाद ले लिया है, और गाड़ी भी पार्क कर दी है इधर पे, ठीक है। सो हम लोग आगे निकल गए हैं, मोना आ रहे हैं अभी, और ये देख सकते हो आप इधर ऐसा सीन है मंदिर के पास में नीचे, अब यहाँ से ऊपर ट्रैक जाना है। मोटी अभी से कमर पकड़ के चल रही इतना क्या कहाँ है। तो गाइस ये है रोपवे, जो रोपवे है इसके चार्जेस है 177 रुपीस आने और जाने दोनों के। हाँ एक जने का है 177 आने और जाने दोनों। लास्ट टाइम आई थी मैं तो तब पता है मुझे थोड़ा, लेकिन हम ट्रैक करके जाएंगे आज क्योंकि ऐसे में ज़्यादा मज़ा आता है। नीशू गलत रास्ते चली गई गाइस, कटोरा थक गए तो बुलाते बुलाते, लेकिन वो गलत रास्ते। गाइस मोनिका और मोटी अंकित वेरी गुड, मेरे को बदनाम कर, खबरदार तूने वीडियो डाल। जोर से बोलो जय माता दी, ओए पागल आराम से, बस तेरे सामने कैमरा ही ऑन रखूंगी। दूर जा रहा हूँ बस आ रहा हूँ, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। और दोस्तों यहाँ पे ये जो लिफ्ट है ये अटकती है बीच में, अटकती इन द सेंस रोकते हैं वो बैलेंस के लिए, और वो देखो ऊपर मंदिर यहाँ पे से नहीं दिख रहा, ये देखो थोड़ा सा दिख रहा। हाँ जय माता दी, जय माता, वहाँ देखो गाइस कौन सी शॉर्टकट ढूंढ के आ रही,
और एक वाले को डीजे। जय हो। ऑलमोस्ट हियर। ये गाइस ये शेरावली माँ, माँ माँ मेरी शेरावली माँ। तो दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे मंदिर का। आज बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि आज संडे है, तो इसलिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये देख सकते हो आप मंदिर। यहाँ पे हम फोड़वा रहे हैं नारियल। तो वहाँ पे कहाँ चढ़ाऊँ मैं? सो गाइस ये देख सकते हो आप, ये है सिरकुंडा देवी मंदिर और ये इसकी हाइट है 2756 मीटर ऊपर हाइट पे है ये सिचुएटेड। और इधर देख सकते हो ढोल बोल भी बज रहा है, सब कुछ कटोरे डू यू नो मंदिर की हाइट क्या है? आई नो 2756 मीटर हाइट पे है। गाइस जो यहाँ पे पहाड़ है आप लोग देख सकते हो पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं और नीचे अलग अलग सारे गांव गूँ दिखाई दे रहे हैं। तो अब हम निकल पड़े हैं वापस और यहाँ पे देख सकते हो लाइन। कैसे लगा कटोरे? बहुत अच्छा, मन खुश हो गया है ना। तो हम आ चुके हैं दर्शन करके। मीनाक्षी बोल रही है अगली बार नंगे पैर आएंगे, ठीक है? ट्रॉली में आएंगे। ये देखो ट्रॉली में नंगे पैर आएंगे। दे दे हाथ तुम्हें दिन ढले तुम्हें वो बंदू सखा तुम्हें दे दे साथ। गाइस आई वाज रॉन्ग, रोपवे का चार्ज बढ़ चुका है, 205 हो गया, 177 नहीं है अब, ठीक है? तो कोई गलत फहमी मत रहना, 177 है। हाँ पर हमें ट्रैक करना था। गाइस अब टाइम आ गया सुरकुंडा से विदा लेने का, अब हम नीचे आ गए हैं और अब गाड़ी पार्किंग में लगाई हुई थी तो अब उसको लेके चलते हैं। लेट्स गो गाइस, कोई कुछ खाते हैं, हैव सम मील। वी माइट गो टू इको पार्क। या वी माइट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके इधर इको पार्क में, ठीक है? अब हम जा रहे हैं, ये देखो इको पार्क धनौल्टी। टिकट का तो यहाँ था ना। तो गाइज ये है टिकट घर और यहाँ पे छोटे बच्चों का किराया है 25 रुपये और बड़ों का है 50 रुपये। हाँ जी 50 रुपये। ओके तो गाइज ये है यहाँ का इको पार्क। तो गाइज आपको इको पार्क का टूर दिखाते हैं, करवाते हैं सॉरी। ये देखो हाथी हाथी के ऊपर चढ़ता हुआ, सूंड निकाल अपनी। और ये हैं बतखे और इधर बच्चों के खेलने का है। और देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है इधर भाई साहब। बंदर भी दिख रहे हैं बहुत सारे। लेट मी शो यू आगे का सीन। उफ़ काफ़ी अच्छा है फैमिली के साथ घूमने के लिए भी। तो गाइज कटोरा यहाँ है खतरे में, सीढ़ियाँ टूटी हुई है क्योंकि, और देखो फिर भी इसे जाना है, रुकने की नहीं, एडवेंचरस लड़की हमारी। चलो अब हम आगे चलते हैं, इसे जाने दो यहाँ। देखो देखो उल्टे काम करने में नंबर 1, गिर मत जाइयो। और आपको इधर
आ रहा मजा यार? क्या बहुत मजा आ रहा, पर मुझे बहुत तेज भूख लग चुकी है, तो उतर जा वहां से। ये देखो गाइस कितना रिस्क उठा के गई है लड़की, सीढ़ी टूटी हुई है उधर, मानेगी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं। इतनी बुरी हूँ मैं? बहुत बुरी है यार, आज भी तो लग रहा तुझे। सब थक गए हैं और सबको भूख लग गई है। ओके ओके, कोई नहीं थका, ठीक है गाइस, कोई नहीं थका, ये सच है। कौन थका? थका कोई? नहीं नहीं, कोई नहीं थका, कोई नहीं थका। सो गाइस हम लोग आ गए हैं इको पार्क घूम के, और बहुत ही सुंदर जगह है। यू शुड यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। ओके सो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों पकौड़े आ चुके हैं, तुम तीनों खाओ, तुम तीनों खाओ, मैं दाम साइड से लेते रहूंगी। बस बहुत अच्छी लग रही है। ओके नाउ भुट्टा टाइम। आज मैं तो पकड़ो गाइस अपने दगड़ियों भुट्टा खाओगे? है भुट्टा गाइस, भुट्टा खा लो भुट्टा। सबने बोल दिया, हो गया खा लो। तो गाइस ये है नीचे आते टाइम का व्यू। दोस्तों ये है मसूरी, हम मसूरी आ गए। तो गाइस हम पहुंच गए हैं देहरादून, और यहाँ पे हम आए हैं रोल खाने, और सब लोग बुरे हाल में है। ठंड कटोरे, कैसी लगी ठंड? दो दो जैकेट पहनी गाइस इसमें, मुझे थैंक यू बोल, ठीक है? मेरी वजह से वो वाइट जैकेट पहन रही है। ट्रैफिक लाइट है, दिख रहा है, देखो जाम हटने वाला है। अबे ट्रैफिक लाइट कहते हैं गाइस उसे, गवार पीछे तो देख जा। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं घर, और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द। सो तब तक के लिए बने रहना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिसने नहीं किया। बाय। ओके सब्सक्राइब।